अब इंडियन बाइक ड्रंथडी गेम में फ्रैंकलिन बन चुका है जॉइंट, और जॉइंट बनने के बाद उसने पुलिस स्टेशन को उखाड़ दिया। अरे फ्रैंकलिन हमें माफ कर दो तुम, सॉरी फ्रैंकलिन, नहीं नहीं सॉरी गया तुम्हारा तेल लेने, तुम लोगों को तो मैं पहले समुद्र में फेंकूंगा, बचोगे नहीं तुम लोग यहाँ से। ये फेंका पुलिस स्टेशन सीधा समुद्र में। तो ये रहा गाइस ब्यूटीफुल दिन, और मैं यहाँ पे निकला हूँ साइकिलिंग करने एक साइकिल लेके। तो आप लोग सोच रहे हो कि ये साइकिल लेके कहाँ घूम रहा है, इसके पास तो ट्रेडमिल जिम वुम सब कुछ है। भाई आप लोगों का बात तो ठीक है, लेकिन खुली हवा में जीने का मजा ही कुछ और है, ट्रेडमिल पे वो फीलिंग नहीं आती गाइस। तो इसीलिए हम लोग साइकिल लेकर निकले और चलो एक सिटी का पूरा चक्कर लगा के आते हैं। तो उसके बाद अपने घर पे जाएंगे और वहाँ पे थोड़ी डाइट वाइट लेंगे और जिम करेंगे, और उसके बाद जाएंगे हम लोग सीधे ऑफिस। तो लेट्स गो गाइस। तो सीधा अपने साइकिल को फुल स्पीड में अपने घर की तरफ भगाते हैं, लेकिन एक सेकेंड भाई, भाई सामने की तरफ ये लेडी गाड़ी कैसे चला रही है। ओ माय गॉड, जिसका डर था ना गाइस वही हुआ, इस लेडी ने अपने कार को स्पीड से ठोक दिया और उसके बाद ये गाड़ी से निकल गई, और ऐसा देखने में लग रहा है कि ये मर चुकी है गाइस, और इसके खून निकल रहे। और अरे गाइस मैं करूँ तो करूँ क्या, अरे यार मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या, क्योंकि मुझे आसपास कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है गाइस, कि मैं मदद किससे मांगूं। अरे यार किससे मांगूं, पुलिस के पास फोन करता हूँ गाइस, यही ठीक रहेगा। लेकिन एक सेकंड गाइस, पुलिस का सायरन तो यहीं पे बज रहा है गाइस, क्या आपको भी सुनाई दे रहा है जो मुझे सुनाई दे रहा है, पुलिस मेरे पास ही है लगता है। अरे अब तो पुलिस की सायरन और तेज होती जा रही है, ऐसा लगता है पुलिस मेरे पीछे ही खड़ी है गाइस। हैंड्स अप, जल्दी से तुम अपने हाथ ऊपर करो, तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। अरे मुझे अरेस्ट किया जाता है, मैंने किया क्या है। तुमने इस औरत को मारा है, तुम बचोगे नहीं। अरे सर मैंने इस औरत को मारा है, क्या आप पागल सी बातें कर रहे हो, मैंने इस औरत को नहीं मारा, ये औरत खुद ही गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी चला रही थी और इस पेड़ में लाके ठोक दी, और जिसकी वजह से मर गई। सर मैंने कुछ भी नहीं किया। पुलिस के सामने तू होशियारी दिखाता है, ऑफिसर इसको जल्दी से गाड़ी में डालो। अरे नहीं सर मैंने कुछ भी नहीं किया, शांत हो जाओ, अब चल तू थाने, और थाने ले जाकर तेरी खबर ली जाएगी, जल्दी से ले चलो इसको थाने। अरे सर मैंने कुछ भी नहीं किया, सर मेरी यकीन करो सर, ये औरत खुद ही गाड़ी को पेड़ में ठोक दिया और खुद ही मर गई, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। तुम्हारी बात का विश्वास तो हम कर लेते, लेकिन अगर वहाँ पे कोई आई विटनेस होता, लेकिन वहाँ पर तुम सिर्फ थे और वहाँ पे औरत की डेड बॉडी, इससे तो साफ पता चलता है कि तुमने खून किया है। अरे सर ये क्या बात है, आई विटनेस मैं खुद ही हूँ सर, मैंने खुद देखा है उस औरत ने गाड़ी को पेड़ में लाकर ठोक दी और खुद ही मर गई। सर आप चाहो तो फिंगरप्रिंट मैच करा लो। अच्छा तुम मुझे सिखाएगा कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, ऑफिसर इसको 3rd degree दो और इससे इसका गुनाह कबूल कराओ। सर मैं कोई भी गुनाह कबूल नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैंने खून नहीं किया है। अच्छा तू कबूल नहीं करेगा। सर मैंने नहीं मारा, मुझे छोड़ दीजिए। अरे सर मैं सारी आपकी चाल समझता हूँ, मैंने नहीं मारा है, प्लीज मुझे छोड़ दो। पूरे 1 साल बाद गाइस मैं फाइनली जेल से बाहर आ चुका हूँ। लिटरली ब्रदर्स मैंने उस चीज की गुनाह काटी है जो गुनाह मैंने किया ही नहीं। अब तो पुलिस वालों को सजा मिलेगी, मैं पुलिस वालों को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि पुलिस वालों ने मुझे झूठी केस में फंसाया। ये सारे के सारे करप्ट पुलिस वाले एक अच्छे इंसान को झूठा केस लगा के फंसवा दिया गाइस, वो अच्छा इंसान मैं हूँ। अब ये लोग मुझसे बचेंगे नहीं, लेकिन आखिरकार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या, मैं पुलिस वालों से बदला कैसे लूं। लेकिन अगर पुलिस वालों को थोड़ी सी भनक लगी तो मुझे वापस से जेल में डाल देंगे गाइस, और इस बार गाइस मैं अगर जेल में गया तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस वाले मुझे 1 साल में बाहर आने देंगे, मुझे कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। सोचो, हाँ आइडिया आया, मैं एक साइंटिस्ट को जानता हूँ जो कि एक ऐसे सीरम पे रिसर्च कर रहा है जिससे हमारी बॉडी बहुत बड़ी हो सकती है गाइस, लेकिन मुझे उस साइंटिस्ट के घर पे जाना पड़ेगा। तो चलो जल्दी से अपने साइकिल को फुल स्पीड पे बढ़ाते हैं, तो चलो गाइस। लेकिन गाइस एक टेंशन की बात यह है कि वो साइंटिस्ट बहुत ही ज़्यादा खड़ूस है गाइस, तो मुझे वो इतनी आसानी से लोकेशन भेजेगा नहीं, तो मुझे ना गाइस उंगली टेढ़ी करके वो बात पूछनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता ही है कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है गाइस। तो ये मैं पहुंच चुका हूं गाइस लैब के बाहर, तो चलो जल्दी से लैब के अंदर चलते हैं और साइंटिस्ट से बात करते हैं।
तो हेलो सर, मेरा नाम फ्रैंकलिन है और मुझे आपसे बात करनी है। फ्रैंकलिन, तुमने तो मुझे अपना नाम बता दिया, लेकिन नाम से देखो कुछ होता नहीं है, तो जल्दी बताओ काम क्या है। हाँ सर, बताता हूँ। मुझे पता चला है सर कि आप कोई सीरम पे काम कर रहे हो जिससे किसी की बॉडी बड़ी हो सकती है। काम तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें उस सीरम से क्या है? सर सीरम मुझे चाहिए, आप दे सकते हो क्या? सीरम तुम्हें चाहिए? बकवास कर रहे हो, जल्दी से चला जाओ फ्रैंकलिन, नहीं तो मैं तुझे जेल में डलवा दूंगा। सर जेल से मैं तो अभी आ रहा हूँ, अगर आपने सीरम के बारे में नहीं बताया तो मैं दूसरा ऑप्शन यूज करूंगा, आपको गन से यहीं पे उड़ा दूंगा, और उसके बाद ना रहेगा सीरम और ना रहेगा साइंटिस्ट। तो जल्दी से मुझे बता दो कि सीरम कहाँ पर है। अच्छा तुम मुझे धमकी दे रहे हो। धमकी? देखो धमकी से मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें उसका लोकेशन बता दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। चलो आपने थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज किया, नहीं तो मुझे गोली वेस्ट करनी पड़ती। तो चलो जल्दी से बता दो। देखो फ्रैंकलिन, वो सीरम मेगा रैम के सबसे ऊंची बिल्डिंग पे रखा हुआ है, तुम वहाँ पे जाकर ले सकते हो और थोड़ी सी सीरम वहीं पे छोड़ दें, क्योंकि मुझे रिसर्च करनी है। आप टेंशन मत लो सर, मैं बिल्कुल थोड़ा सा ही लूंगा, ओके सर। तो ऑल राइट गाइज, मुझे सीरम की लोकेशन मिल चुकी है, और जल्दी से अपने साइकिल को फास्ट भगाते हैं मेगा रैम के पास और सीरम को कलेक्ट करते हैं गाइज। तो लेट्स गो। भाई साइंटिस्ट के हिसाब से इसी मेगा रैम के ऊपर वो सीरम है, तो मैं पहली बार इस साइकिल से गाइज मेगा रैम को कंप्लीट करने वाला हूँ। वैसे गाइज साइकिल से मेगा रैम को कंप्लीट करना ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन कुछ जगह पे तो कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि गाइज बाइक के केस में ऐसा होता ना कि स्लेटर आपको देनी होती है और बाइक खुद ही भागती है, लेकिन इसमें मुझे डर लग रहा है मैं कहीं गिर ना जाऊँ। गाइज मेरी सांस फूल गई इतना ऊपर चलाते। चलो कोई बात नहीं गाइज, मुझे वो सीरम जल्दी से कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस करप्ट पुलिस वाले को सबक तो सिखाना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता गाइज जो कि मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ हो, इसलिए इन करप्ट पुलिस वालों को सबक सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। बस एक बार गाइज जो सीरम मेरे हाथ में लग जाए, उसके बाद देखना मैं बहुत बड़ा बन जाऊंगा, उसके बाद सारे पुलिस स्टेशन को उखाड़ कर फेंक दूंगा। मुझे ना गाइज इन पुलिस वालों पे इतना ज़्यादा गुस्सा है, मैं आपको बता नहीं सकता। चलो कोई बात नहीं, मैं इजी इस मेगा रैम को कंप्लीट करता हूँ, सीरम के पास पहुँचते गाइज। तो चलो थोड़ी दूर और रहेगी गाइज। हाँ, और इसी बिल्डिंग के ऊपर है गाइज, साइंटिस्ट ने बताया। तो चलो लेट्स गो, जल्दी से गाइज ऊपर चलते हैं। अरे यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना टेढ़ा मेढ़ा रास्ता कौन बनाता है यार, इतना टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। यहाँ पर तो नॉर्मल आदमी को साइकिल चलाने में बहुत दिक्कत होगी गाइज, क्योंकि देखो मैं ही चला रहा हूँ। तो फाइनली गाइज हम इस बिल्डिंग के ऊपर आ चुके हैं, और ये देखो गाइज मेरे सामने उस सीरम की बॉटल रखी है, तो जल्दी से उसके पास चलते हैं और सीरम की बॉटल को उठाते हैं गाइज। तो चलो हमने इस बॉटल को उठा लिया गाइज और दो घोट पीते हैं, और उसके बाद अरे गाइज मेरे बॉडी में कुछ तो हो रहा है गाइज, अरे कुछ तो हो रहा है भाई, कुछ तो जरूर हो रहा है। अरे ये क्या यार, मैं तो सच में जायंट फ्रैंकलिन बन चुका हूँ। अरे यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं एक जायंट फ्रैंकलिन बन चुका हूँ गाइज, वो साइंटिस्ट सच में कह रहा था। अब तो मैं इन पुलिस वालों को छोड़ूंगा नहीं। अरे पुलिस वालों, अब तुम लोग बचोगे नहीं, तुम लोग गए। और ये मैंने पुलिस स्टेशन को उखाड़ा, और ये अरे फ्रैंकलिन क्या कर रहे हो, अरे माफ कर दो हमें, छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? अरे अब तुमको माफी चाहिए, मेरी जिंदगी खराब करने के बाद तुमको माफी चाहिए? तुम सिर्फ दो मिनट रुको। देखो फ्रैंकलिन, तुम्हें पुलिस वालों पे अटैक करने की सजा मिल सकती है, ये सजा काफी बड़ी होगी। तुम मुझे अभी भी धमकी दे रहे हो, अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। ये तुम्हारा पुलिस स्टेशन उठाया और सीधा फेंका समुद्र में। नहीं बेवकूफ पुलिस वाले, मुझसे पंगा ले रहे थे। तो चलो गाइज फाइनली मैंने अपना बदला ले लिया और करप्ट पुलिस वालों को मैंने मार दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइज। बाय बाय।